हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस टी एस की टेक्स्ट बुक से चैप्टर वन फॉर क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स सो लेट एस सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन रिशीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ना रिशीट के तरफ दिया है ओपनिंग कैश एंट्रेंस फीस डोनेशन फॉर बिल्डिंग लॉकर्स रेंट लाइफ मेंबरशिप फीस प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट और सब्सक्रिप्शन तो क्योंकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जिसमें कि रेवेन्यू नेचर्ड आइटम लिखना है तो उसमें कैश डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब बैलेंस शीट में जाते हैं और पेमेंट साइड दिया है रेंट वेजेस बिलियर टेबल फर्नीचर इंटरेस्ट पोस्टेज सैलरी एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस उसमें ये तीनों जो है ये बैलेंस शीट में लिखेंगे बाकी रेवेन्यू नेचर के हैं प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन दैट इज ओपनिंग को लेस करेंगे और क्लोजिंग वाले को एड करेंगे दैन ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज रुपीज थ्री हंड्रेड एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज़ टू हंड्रेड यहाँ हमने पोस्टेज स्टैम्प खरीदा है वन थाउजेंड का उसमें ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो हमारा पोस्टेज कंज्यूम्ड निकल जाएगा जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे रेंट रुपीज़ फिफ्टीन हंड्रेड रिलेटेड टू ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन एंड फिफ्टीन हंड्रेड इज स्टिल अनपेड सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी सब्ट्रैक्टेड एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी एडेड ऑन 1st अप्रैल 2019, थाउजेंड नाइनटीन द क्लब ओनड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों में लिखा रहेगा लेकिन ओपनिंग फर्नीचर था फिफ्टीन थाउजेंड फिर हमने फर्नीचर खरीदा भी है टेन थाउजेंड का तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का बचना चाहिए क्लोजिंग में लेकिन क्लोजिंग डेट के दिन फर्नीचर बच रहा है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इट मीन्स टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज डेप्रीशन ऑन फर्नीचर देन द क्लब हैज अफ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एट द रेट ऑफ टेन परसेंटेज पर एन एम विच वॉज टेकन इन ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तो साल भर का इंटरेस्ट भी इस पर देना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट ईयर ही ले लिया गया था तो दिस फाइनेंशियल ईयरस इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग नाउ लेट सी दोल्यूशन नाउ सोल्यूशन फिफ्टी सेवन इन द बुक्स ऑफ शंकर स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन ये इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग बुक टू दैट इज कंपनी अकाउंट क्योंकि हम पार्टनरशिप पहले ही पूरा बना चुके हैं फ्राम बेसिक कॉन्सेप्ट टू डिजोल्यूशन ऑफ द फॉर्म का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अब ये बुक जो है वो खत्म हो गई बुक वन अब सेकेंड बुक शुरू करूँगा मैं इस लास्ट टू क्वेश्चन के बाद जो कि कंपनी अकाउंट है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स ओके नाउ देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड एक्सपेंडिचर की तरफ जो भी रेवेन्यू आइटम्स लिखना है वो हम रिशीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट के तरफ देखेंगे सो फर्स्ट आइटम है टू रेंट रेंट इज रुपीज़ एटीन थाउजेंड और इसमें एडजस्टमेंट भी है माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग स्टैंडिंग फिफ्टीन हंड्रेड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये भी फिफ्टीन हंड्रेड तो एक प्लस हो रहा है दूसरा माइनस तो इफेक्ट जो है नलीफाई हो गया देन वेजेस नो एडजस्टमेंट इज देयर देन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इज रुपीज़ टू थाउजेंड देन पोस्टेज पोस्टेज में भी एडजस्टमेंट है वन थाउजेंड का पोस्टेज खरीदे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज जो है वो दिया हुआ है थ्री हंड्रेड मतलब टोटल पोस्टेज अवेलेबल वाज़ थर्टीन हंड्रेड इसमें से बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज दैट इज़ टू हंड्रेड सो so, कितने का यूज़ हो गया पोस्टेज कंज्यूम्ड इज वन थाउजेंड वन हंड्रेड देन सैलरी देर इज़ नो एडजस्टमेंट फॉर सैलरी एज सच सो बाहर ही लिखेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड देन टू डेप्रीशन ऑन फर्नीचर फर्नीचर पिछले साल का था फिफ्टीन थाउजेंड का फिर हमने ख़रीदा टेन थाउजेंड का लेकिन बच गया ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का अभी भी है मींस यूज़ कितना हो गया डिप्रिशिएट कितना हो गया ट्वेंटी फाइव हंड्रेड देन टू राइट ऑन द इनकम साइड वी हैव टू चेक द रिशीट साइड ऑफ रिशीट एंड पेमेंट अकाउंट बाई एंट्रेंस फीस एंट्रेंस फीस इज़ द एडमिशन फ़ीस विच इज चार्ज बाय द क्लब टू द ज्वाइनिंग न्यूली जॉइंट मेंबर्स देन लॉकरस रेंट लॉकरस रेंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसे सीधा बाहर लिख देंगे ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज देन प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ज थ्री थाउजेंड रुपीज देन कम्स सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन जो है वो ईयरली फीस है मेम्बर्स की जो क्लब चार्ज करता है उनसे अपनी सेवाओं के बदले ना हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ट्वेल्व हंड्रेड एंड प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी थ्री हंड्रेड सो इट विल बी प्लस इलेवन हंड्रेड सो फोर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड देन नाउ डेबिट साइड इज हैर सो ग्रैंड टोटल हियर इज़ फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इधर भी फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बनाने के लिए हमें यहाँ सिक्सटी वन हंड्रेड इंसर्ट करना है और ये है डेफिसिट दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर over income. Now, अब इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देने वाली है कि एक लोन भी था ट्वेंटी थाउजेंड का जो पिछले साल लिया गया था जिस पर टेन परसेंटेज इंटरेस्ट देना था तो ये जो इंटरेस्ट है जो रिशी टन पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है ये इंटरेस्ट ऑन लोन ही है जो कि टू थाउजेंड बनता था और वो टू थाउजेंड यहाँ पर ही है लिखा हुआ है नाव वी विल प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट टू कैपिटल फंड नाउ ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट अप्रैल 2019 एसेट्स के साइड है ओपनिंग कैश बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस इज हाउ मच 2600 देन फर्नीचर है हमारे पास लास्ट ईयर से जो इस साल खरीदे हैं उसे नहीं लिखना है जो पिछले साल हमारे पास था जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा है वो लिखेंगे देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे दिस इज ट्वेल्व हंड्रेड फिर स्टैम्प का भी ओपनिंग स्टॉक है स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दैट इज थ्री हंड्रेड देन आउटस्टैंडिंग रेंट है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रेंट इज फिफ्टीन हंड्रेड ओके नाउ लाइबिलिटी में लोन भी है लोन इज़ ट्वेंटी थाउजेंड नाओ दट्स अब यहाँ पर लाइबिलिटी साइड हैवी दिख रहा है दैट इज़ ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहाँ भी ट्वेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो इट इज़ कैपिटल फंड विल बी ट्वेंटी फोर हंड्रेड ना वी विल प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट नाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट सबसे पहले लिखेंगे कैश क्लोजिंग कैश बैलेंस जो कि रिशीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर है देन बिलियर टेबल फोर्टीन थाउजेंड देन फर्नीचर वी आर हैविंग ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी थ्री हंड्रेड देन है हमारे पास पोस्टेज स्टॉक पोस्टेज है वो टू हंड्रेड रुपीज का है नाउ कैपिटल फंड कैपिटल फंड जो था वो है ट्वेंटी फोर हंड्रेड का क्योंकि वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा था कैपिटल फंड इसलिए और उसमें डेफिसिट भी ऐड होगा डेफिसिट फॉर द ईयर इज टू थाउजेंड इज सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड नाउ टोटल इज एट्टी फाइव हंड्रेड नाउ ऑन द लाइबिलिटी साइड लाइफ मेंबरशिप फीस सेवन थाउजेंड नाउ ये लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड के साथ जुड़ता है लेकिन जब कैपिटल फंड डेबिट बैलेंस हो जाता है जब कैपिटल फंड माइनस में हो जाता है एसेट्स के तरफ आता है तो लाइफ मेंबरशिप फीस को अलग से लिखना है देन लोन इज देर ट्वेंटी थाउजेंड देन वी आर हैविंग आउटस्टैंडिंग रेंट फिफ्टीन हंड्रेड एंड वॉटल्स वी आर हैविंग डोनेशन फॉर बिल्डिंग ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाउ ग्रैंड टोटल इज फिफ्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो दिस इज द सोल्यूशन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर वेरी वेल अगर कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.